फ्रेंड्स, मैं रचना आपके सामने लेकर आई हूँ इंडिया यूएस रिलेशन। भारत और अमेरिका के अगर हम लोग संबंधों की बात करें, यूनाइटेड स्टेट के रिलेशंस की बात करें, तो भारत और यूएस के संबंध शुरुआत में काफ़ी अच्छे नहीं रहे थे। अगर हम बहुत इतिहास में बात करते हैं तो भारत एक समाजवादी विचारधारा का समर्थक था, इसलिए उसका झुकाव कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सोवियत संघ की तरफ था। जबकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश था तो कहीं ना कहीं भारत उससे अलग ही रहता था। हालांकि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए किसी भी गुट में ना शामिल होने की बात कही थी, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत और रूस का संबंध ज़्यादा अच्छा रहा था। इसके लिए मैं लास्ट वीडियो में जो आई थी भारत और रूस के संबंध, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब शीतयुद्ध की समाप्ति हुई थी, उस समय जब भारत दो भागों में विभाजित हो गया था, उस समय भारत का जो झुकाव था वो कहीं ना कहीं रूस की तरफ ज़्यादा था। आधुनिक भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध है वो राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन के समय 1949 में ही शुरुआत हो गई थी। लेकिन उस समय जो नेहरू की जो विचारधारा थी समाजवादवादी, तो उसी के चक्कर में जो मैंने आपको बताया कि दो भागों में विभाजित था, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं रूस की तरफ ज़्यादा झुकाव होने लगा अपने आप ही, और अमेरिका से थोड़ा सा झुकाव कम रहा और एक औपचारिक संबंध की तरह होगा। जैसे आप समझते हैं कि आपके घर के आसपास बहुत सारे पड़ोसी हैं, तो किसी एक के साथ जिससे आपको आपको लगता है कि आपका कल्चर मिलता है, आपकी बातचीत मिलती है, आपके विचार मिलते थे, उसकी तरफ से आपका ज़्यादा गहरी दोस्ती बन जाती है। और कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जिनसे सब हाय हेलो रह जाती है, तो इसी टाइप से अमेरिका के साथ भी बहुत औपचारिक से संबंध रह गए थे। उसके बाद संबंधों में फिर से एक टर्नओवर एक यूटर्न आया। वो यूटर्न क्या था कि 1954 में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक सेंटो नामक संस्था की स्थापना की थी, तो भारत को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी लगी, और इसी की वजह से भारत और सोवियत संघ यानी कि रूस के जो जो सोवियत रूस के जो संबंध थे ज़्यादा अच्छे हो गए थे, और अमेरिका के बिल्कुल काम चलाओ जैसे बिल्कुल ही फॉर्मल सा फ्रेंड होता है ना, तो इस टाइप के संबंध बन गए। 1971 में फिर एक बात हुई कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के दौरान में अमेरिका ने चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान का पूरा सहयोग किया था। इस वजह से भारत जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, और उसने बिना कुछ देर करे 20 साल के लिए रूस के साथ दोस्ती की और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर कर लिया। तो इस चीज़ को ना अमेरिका ने और चीन ने दोनों ने बहुत गलत मान लिया कि ये तो बहुत गलत बात होगी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, जो बिल्कुल पड़ोसी देश है उनको छोड़कर आप रूस के साथ संबंध बना के बैठ गए हो, तो ये चीज़ को बहुत गलत लगी। लेकिन उस समय भारत को यही सही लगा था कि जब भारत के ऊपर आफत आई, परेशानी आई, तो उस समय में भारत के ऊपर जब परेशानी आई तो चीन ने और अमेरिका ने बिल्कुल अपने हाथ झाड़ लिए, तो ये बहुत बड़ी गलत बात थी। और उसके बिना किसी देरी के 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण जब हुआ, तो अमेरिका ने भारत को परमाणु सामग्री और ईंधन आपूर्ति पर रोक लगा दी थी और बहुत सारे प्रतिबंध भी लगा दिए थे, तो ये चीज़ भी भारत को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, और दोनों के संबंधों में फिर से कुछ ना कुछ कमी मतलब कड़वाहट आ गई। ये ऐसा क्यों किया था, इसका मैं आपको रीज़न बता दूँ कि भारत परमाणु परीक्षण पहला मतलब जो भारत था उसे परमाणु परीक्षण जब किया था, उस समय अमेरिका ने बोला था कि कोई सिर्फ एक अमेरिका ही था जो परमाणु परीक्षण देश था, तो भारत ने जब भी परीक्षण किया तो अमेरिका को लगा कि ये तो हमसे भी ज़्यादा मतलब हमारे जैसे बराबर का देश कैसे हो सकता है, तो इसी वजह से उसने क्या किया था परमाणु परीक्षण और ना कर ले भारत, इसलिए उन्होंने क्या करा कि चुपचाप से उस पर सारे के सारे मतलब कोई अंदर ही अंदर कोई और परीक्षण ना कर ले, इसलिए रोक लगा दी। तो ये चीज़ बहुत गलत थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद दोबारा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 1998 में पोखरण परीक्षण हुआ, उस समय भी अमेरिका सहित कई सारे देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा अटल बिहारी वाजपेयी एकदम से खड़े हो गए और उन्होंने बोल दिया कि भारत किसी भी देश से नहीं डरता है, वो सबके सामने आके खड़ा हो सकता है। अमेरिका ने इतनी बड़ी बात की थी कि भारत से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया था नाराज होकर, जबकि अमेरिका खुद भी परमाणु परीक्षण देश था और वो नहीं चाहता था कि कोई और देश बराबरी करे, तो यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस समय क्या उनके राष्ट्रपति की विचारधाराएं थी जो वो समझ में नहीं आती थी, और तनातनी फिर से फैल गई। तो ये आप देख सकते हैं पोखरण वाला चीज़ें। अच्छा, उसके बाद 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने फिर से भारत और अमेरिका के बीच में नए संबंधों की नींव रखी। नए संबंधों की नींव वो क्या थी, उन्होंने बातचीत की, एक दूसरे के संबंधों को अच्छा करने की कोशिश की, और 2008 में भारत और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील हुई, और जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो अच्छे हो गए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात हो गई। उसके 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत की यात्रा की,
ओबामा ने भारतीय कारोबारियों को संबोधित किया और साथ में भारत में निवेश करने और तकनीकी हस्तांतरण जैसे तमाम मुद्दों पर भी समझौता किया। तो ये हमारे संबंधों पे शुरुआत अच्छी रही। तो तुम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो 2000 का जो सन आया था, यानी कि हम जो 21वीं सदी में हम लोगों ने एंट्री की, तो भारत और अमेरिका के साथ संबंधों की एक अच्छी शुरुआत होने लगी थी। उसके बाद 2015 में फिर से बराक ओबामा आए, जब हमारे देश में बीजेपी की सरकार थी, तो उस टाइम पे यानी कि जब मोदी प्रधानमंत्री थे बने थे तो उस टाइम पे फिर से आए और उन्होंने फिर एक भारत और अमेरिका के रिश्तों को अच्छी ऊंचाई पे पहुंचा दिया, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया से आतंकवाद को ख़त्म करने का समझौता किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौता था, क्योंकि आतंकवाद की गतिविधि अमेरिका में भी बराबर रही है। हम जो 26/11 का जो एक हमला है उसको नहीं भूल सकते, इसके अलावा हम लोग ताज का नहीं भूल सकते। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं भूल सकते। उसके अलावा जो एक सितंबर में एक हमला हुआ था वो हम भूल नहीं सकते। तो ये कुछ हमले ऐसे हैं कि जो बहुत गलत हमले हुए हैं आतंकवादी गतिविधियों की वजह से, देश की आर्थिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को और सांस्कृतिक व्यवस्था को, मतलब हर चीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो इसकी वजह से दोनों देश आपस में खड़े हो गए और बोला कि हमें आतंकवाद को दुनिया से हटाना ही है। तो ये जो आतंकवाद का मुद्दा था कहीं ना कहीं संबंधों को अच्छी शुरुआत लेकर आया। उसके बाद जब जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, गरीबी, कुपोषण, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर जब बातचीत हुई तो दोनों ही देश इस चीज़ पे बोले कि ये हमारी भी यही प्रॉब्लम है, हमें यही चीज़ें कम कर, मतलब इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हमें फेस कर रहे हैं, तो हमें इनको तो मतलब इनकी प्रॉब्लम को ख़त्म करना ही है। तो अमेरिका और भारत के जो ये दोनों जो मुद्दे जो सेम थे, इसकी वजह से दोनों ही देश वापस दोस्त बन गए। उसके बाद 2017 में फिर से एक मोड़ आया, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने और उस टाइम पे भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूती मिली। और वो मजबूती क्या थी, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे विदेश मंत्री थे जिन्होंने व्हाइट हाउस का दौरा किया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और नरेंद्र मोदी और अमेरिका के बीच में बहुत सारे समझौते भी किए गए। उसके बाद ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल LNG लिमिटेड के बीच प्राकृतिक गैस के आयात पर सहमति मिली, तो ये एक सहमति बहुत अच्छी थी। उसके अलावा जब अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा की खरीद पर भी सहमति जताई। दूसरा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में और अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज विभाग में दोनों ने ही समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि दोनों ही सर्विसेज को और अच्छा बढ़ाया जा सके। उसके बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में भारत और अमेरिका ने आसियान को केंद्र में रखते हुए एक स्वतंत्र खुले समायोजित और समृद्ध हिंद प्रशांत की अवधारणा का समर्थन किया, जिसमें दोनों ही देशों ने दक्षिणी चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सभी देशों के हितों की रक्षा के लिए सार्थक आचार संहिता के निर्माण पर भी बल दिया। इससे भी दोनों ही देशों की जो है दोस्ती और ज़्यादा बढ़ गई। ये तो हमारी दोस्तियों का तो एक आधार बनता ही चला गया, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं। जो वो क्या चुनौतियाँ, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे जो एक चुनौतियाँ थी, पहली चुनौती की बात करें तो अफगानिस्तान समस्या के मुद्दे पर भारत तालिबान की प्रत्यक्ष भूमिका के विपरीत स्थानीय लोकतांत्रिक सरकार मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य के सहयोग के माध्यम से शांति समाधान का समर्थन करता है। अफगानिस्तान समस्या की एक प्रॉब्लम आई थी, दूसरी आप देख सकते हैं अफगानिस्तान का ये मैप। उसके बाद दूसरा है द्विपक्षीय व्यापार में कृषि उत्पादों और व्यापार सब्सिडी कुछ उत्पादों में आयात शुल्क जैसे मुद्दों पर अमेरिका भारतीय नीति से सहमत नहीं रहा है, कि मतलब उसमें लगता था कि आयात शुल्क थोड़ा ज़्यादा है तो वो थोड़ा कम होना चाहिए, ये भी एक समस्या सामने आई। पाकिस्तान की समस्या बहुत बड़ी थी कि पाकिस्तान के संदर्भ में हमेशा अमेरिका ने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का ही साथ दिया अमेरिका ने, तो ये चीज़ भारत को थोड़ी ठीक नहीं लगती कि जो पाकिस्तान हमेशा ही पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियाँ पाई गई हैं, पाकिस्तान ने जायज़ नाजायज़ तरीके से भारत पर बार बार हमला किया है, बार बार सीज़ फायर किया है और अमेरिका कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट करता, तो ये चीज़ जो है ना ये हमेशा खटास लाती है रिश्तों में। उसके बाद हम यही कह सकते हैं कि भारत के साथ जो संबंध है बेहतर करने के लिए अमेरिका भी अपने हित में है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब भारत का ही कोई लालच है उसके संबंध बनाने के लिए, अमेरिका का भी उतना ही हित है। तो भारत के विदेश नीति की समताओं की अगर बात करें तो विश्व राजनीति में भारत के बढ़ते हुए कद को देखते हुए अमेरिका को लगता है कि कहीं ना कहीं हमें भारत के साथ दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। माइक पोम्पियो के भारत के दौरे के बाद भारत और अमेरिका की एक द्विपक्षीय संबंध की बातचीत हुई, एक संबंध में नया जोश सा भर गया
उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर के रूप में पोम्पियो को ऐसा सहयोग मिला, दोनों ने ही एक दूसरे के देशों को सहयोग दिया। और अब हम ये कह सकते हैं कि अभी जो हमारे देश की जो सरकार है, जो अभी प्रेजेंट में अमेरिका की सरकार है, उन दोनों को मिलकर एक नए रिश्ते की बात करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करके हमें अगर एक दोनों एक दोस्त वाले देश बन जाएं तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो सकती है और हमारा देश कहीं ना कहीं और ज़्यादा तरक्की कर सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।